एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में मतदान सामग्री का वितरण 16 नवंबर को किया जाएगा, जिसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर एवं एसपी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 16 नवंबर को मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा, जिसकी तैयारियां एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी आदित्य प्रताप सिंह कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर एवं एसपी ने बताया कि मतदान सामग्री का वितरण कड़ी सुरक्षा के बीच किया जाएगा। मतदान दलों के लिए विधानसभावार काउंटर बनाए गए हैं एवं उनके बैठने के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं के तहत उन्हें उसी स्थान पर मतदान सामग्री लाकर दी जाएगी। कल सुबह 7:30 बजे यहाँ रिपोर्टिंग टाइम है और पोलिंग पर्सनल के लिए 2 बिल्डिंग में व्यवस्था की गई है और उसके परिसर में भी उनको जस्ट आके अपने टेबल्स पे बैठ जाना है, वहाँ उनको सामग्री मिल जाएगी। एक पार्किंग जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ लगभग 5 विधानसभाओं की पार्किंग यहाँ पे है और 3 विधानसभा की पार्किंग वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज उसके पीछे ऊपर करवा दी, वहाँ 3 विधानसभाओं की पार्किंग होगी। 5 विधानसभा के फोर्सेस की ब्रीफिंग यहाँ पे होगी और 3 की वहीं पे जहाँ दूसरी पार्किंग है उसी स्थान पर। मेरे हिसाब से पर्याप्त यहाँ स्थल उपलब्ध है, कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। देखिए कल मैदान से फोर्स का पोलिंग पार्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसकी व्यवस्था देखने के लिए हम और कलेक्टर साहब यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पूरी कल कर्मचारी जो पोलिंग ड्यूटी में लगे हैं, एसपीओज और पुलिस बल सीएपीएफ जो कल पोलिंग पार्टीज के साथ जाएगा, साथ में जो पूरी पार्किंग व्यवस्था है जिसमें सभी वाहन जो यहाँ से कल पोलिंग पार्टीज को लेके जाएंगे उसकी पूरी व्यवस्था का भी आंकलन किया गया है और कल सुबह से व्यवस्था लग जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि कल पोलिंग पार्टी को रवाना करने के पूरा इंतजाम है वो अच्छे से। कितना बल सर एक्स्ट्रा फोर्सेज में? हाँ देखिए, सीएपीएफ की हमें 16 कंपनी मिली हैं, उसके अलावा एसएएफ है, डीएफ है और एसपीओज हैं हमारे पास करीब 2500 जो इस पूरी व्यवस्था में कल यहाँ से रवाना होंगी। उसके अलावा जो इसको मैनेज करने की व्यवस्था है उसमें करीब 250 से 300 का बल लगेगा और जो लोकल अधिकारी हैं ऑफिसर्स हैं उसको इसका पूरा ध्यान देना। एसपी के अनुसार मतदान दलों एवं मतदान सामग्री की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।